तो अब लॉगरिथम का हम 9.2 एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें हम लोगों को कुछ लॉस को फॉलो करने हैं। किसको फॉलो करने हैं? लॉगरिथम के लॉस को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको लॉस। देखो, तो लॉस को समझ लेना, और जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं तो लॉग लगेगा। अभी तक की बात हो रही थी कि एक सिंगल लॉग की बात हो रही थी ना, लॉग समथिंग लॉग समथिंग। अब है ना कहीं से मल्टीपल लॉग्स में दिखाई देंगे, प्लस में या मल्टीप्लाई में, बेसिकली प्लस में आएंगे। ठीक है, तो लॉग ए एम इंटू एम इज इक्वल टू, यानी अगर लॉग में के बाद दो नंबर मल्टीप्लाई में है, दो प्लस हो नंबर क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, तो दोनों का सेपरेट लॉग लग जाएगा, दोनों का। ठीक है, सेपरेट लॉग और प्लस लग जाएगा बीच में। ठीक है ना, क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। बेस सेम होना चाहिए। हाँ, और क्या, बेस सेम क्या, सेम तो एक ही तो हाँ है, बेस ए सेम तो सेम ही रखनी पड़ेगी ना, है ना? अगर बेस यहाँ अलग अलग और इधर आना है तो नहीं हो पाएगा। नहीं जैसे यहाँ होगा लॉग 10 है, यहाँ लॉग 8 है, एमएन में नहीं ला सकते ना, आप क्या करोगे? ना बेस सेम। बेस सेम होना ही तो चाहिए। इसी तरीके से अगर लॉग के आगे जो दो नंबर हैं वो आपके क्या है, डिवाइड में, तो ये माइनस हो जाएंगे। लॉग एम ए माइनस लॉग ए एन, करेक्ट? ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से लॉग एम के ऊपर कोई पावर है एन, मतलब वो नंबर है आगे और पावर क्या है, एन है, तो ये पावर आगे आ जाती है। ये पावर कहाँ आ जाती है? आगे आगे लग जाएगी लॉग के पावर पावर। आगे होती है, हाँ, तो पावर तो एग्जाम्पल सामने लिखी होती है ना, सो आगे, इज मतलब इक्वल टू। नहीं देखो, जैसे लॉग 20 की पावर 2 है, यहाँ 10 ले लो, तो इसी का आंसर क्या आ जाएगा? 2 इधर आगे आ जाएगा जब मार के लॉग 20। ठीक है, तो अब जिसमें से इसका तो 2 अलग ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसका जो भी आप आंसर निकाल, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू दी गई है तो वैल्यू निकाल सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो रिकॉर्ड करते चले आए, सिंगल आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टार्ट तो ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, पावर को आगे ले सकते हैं। ये 3 लॉस है बेसिकली। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं इसको, अच्छा इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन लॉ, और इसको बोलते हैं पावर लॉ। ठीक है ना, तो इसके अलावा भी कुछ रूल तुम्हें दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें दिया हुआ जैसे कि लॉग ए एम इज इक्वल टू लॉग बी एम अपॉन लॉग बी ए, कुछ इस तरीके से कुछ रूल वैल्यू दी हुई है। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। देखो, यानी कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग बी एम और ये लॉग बी ए आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ए एम है, लॉग बी ए आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ? तो लॉग बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए एम इंटू लॉग बी ए। अब यहां पर देखो, सेकंड वाला और इस तरह भी हो सकता है कि लॉग बी ए, लॉग क्या है, बी ए इंटू लॉग बी एम, अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर बेस तुम्हारी इंटरचेंज हो रही है, ये देखो इंटरचेंज हो रही है ना, तो उसका आंसर क्या होता है? 1। जैसे कि यहाँ पे लॉग 8 10 है, यहाँ पे 10 8 है, तो इनका आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक, इसी तरह फिर और इसी का रेसिप्रोकल बन जाएगा, इसे क्या बन जाएगा, मतलब लॉग बी ए तुम्हें करना है तो ये नीचे 1, तो 1 अपॉन लॉग ए बी आ जाएगा, है ना, इसको जाके डिवाइड में कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से 3, ये भी याद रखना कि कहीं पर अगर उस तरह कोई सिचुएशन आ गई, कोई टर्म्स आ गया, तो वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते, बहुत जगह में वैल्यू 1 डालनी पड़ जाती है, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉग अगर ये बेस तुम्हारे इंटरचेंज हो रही है तो यानी 1 वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट अभी बता देता हूँ ऐसे ही। देखो, लॉग टेन ए स्क्वायर सी अपॉन रूट बी, हमें एक्सप्रेस करना है इसको, लॉग टेन ए अलग दिखाना है, लॉग टेन बी और लॉग टेन सी अलग अलग दिखाना है। देखो, तुम्हें दिया क्या, लॉग टेन दिस ये दिया हुआ, ठीक है, अब इसी को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, अपने आप कहीं ना कहीं से यहां की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है, मैंने ये किया लॉग टेन ए स्क्वायर सी अपॉन डिवाइड आ गया, क्वेश्चन रूल आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग दोनों को सेपरेट लगा सकते माइनस हैं, लॉग टेन ए स्क्वायर सी माइनस माइनस लॉग लॉग टेन टू रूट बी। बी, ये कर सकते हैं सर, ये कर दिया सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है।
अब देखो लॉग 10 ए स्क्वायर और सी, ये दोनों आपस में क्या है, वापस मल्टीप्लाई आ गया, फिर क्या आ गया मल्टीप्लाई, तो वापस प्रोडक्ट लॉ लगा दो, फिर से यहाँ पे लॉग लॉग अलग अलग कर दो, ए स्क्वायर अलग कर दो सी, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई भी तो है, ठीक है, माइनस जो चल रहा है उसे चलाएंगे, रूट भी है तो पावर 1/2 ले सकते हो, पावर 1/2 पावर वाले लॉ से पावर यहाँ पे आगे आ जाएगी, 1/2 इधर आ जाएगी, तो ये तुम्हारा आ गया, ये जो 2 है पावर एक ऊपर, ये 2 उधर सामने आ जाएगा, पावर लॉ, तीन लॉ बताए थे, तो 2 लॉग 10 ए प्लस 10 सी माइनस ये 1/2 आगे आ जाएगा लॉग 10 भी, तो कुल मिला के यहाँ पे प्रोडक्ट भी था एज वेल एज क्वेश्चन लॉ भी था, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। साथ में देखिए इवेल्युएट फॉलोइंग 3 प्लस लॉग 10 के ऊपर 10 माइनस 2 पावर माइनस 2 है, ठीक है, तो 3 प्लस ये माइनस 2 है इधर आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो माइनस 2 में आगे ले लिया लॉग 10 10 कर दिया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इन सब चीजों में ध्यान दो कि कभी भी बेस और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो लॉग 10 10 दोनों सेम हो गए ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बस बाकी जस्ट एक सिंप्लीफाई कर एज ए समझ, लॉग 10 10 है, लॉग बी बी है, लॉग 100 100 है, वॉट एवर, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर ये ऐसे होता लॉग 10 100 होता तो उसका आंसर आता है तुम्हारा 2, लॉग 10 100 का आंसर क्या होता 2 आता, कैसे देखो लॉग 10 है और यहाँ पे क्या है 100 है, हमने क्या किया लॉग 10 100 को बना लिया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 2 इधर आ जाएगा और लॉग 10 10 यहाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती 1 होती, 2 1 तो 2 आया, कई जगह ये सब चीज़ें यूज होती रही, कई जगह ये सब चीज़ें, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। खैर यहाँ पे देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है डेसिमल में 5 प्लस लॉग 10 1.2, देखो ये आ गया, यहाँ पर ही तुम्हें चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखो तो 5 तो अलग है, उसे अलग ही रखो फिलहाल, तो लॉग 10 इसको 0.001 को हम क्या 1/1000 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं है ना, ऊपर नीचे 1000 कर सकते हैं, तो 1/1000 मतलब 10^3 अपॉन में 10^3 ऊपर जाएंगे तो 10^-3 हो जाएगा, -3 आगे आ जाएगा, इधर आगे मत नहीं आना, ये अलग है पीछे प्लस है, बस ये वाला खेल कर रहे हो, 5 प्लस तो लगा के चल रहे हो, -3 इधर आ जाएगा, लॉग 10 10 लॉग 10 10 1 होता है, तो -3 × 1 -3 तो 5 -3 2 आ जाएगा, है ना, आसान आसान है, ठीक। इसी तरीके से जल्दी आ जाओ, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सी यहाँ पे देखो डिवाइड दिया हुआ है, 2 लॉग है, डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड में तो ये कोई बात नहीं, 125, देखो हमारा एक्सपोनेंट और लॉगरिथम दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं से मिरर हैं, है ना, तो इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम्हें लिखना होता है, तो 125 की तुम क्या कर लो 5 के ऊपर क्यूब लगा लोगे 3 लगा लोगे और रूट 5 के ऊपर 1/2 लगा लोगे, अब देखो 1/2 इधर आगे आ जाएगा, है ना, आगे आ जाएगा ना, क्योंकि पावर जब होती है तो आगे आ जाती है, इसे 5/3 आगे आ जाएगा, 3/1 में लॉग 5 कट जाएगा, बच्चे क्या 3 1/2 ऊपर जाके 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा और 2 × 3 6 ये कट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 लॉग यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, 6 6 तो सेम है, ठीक है, 72 और यहाँ पे 2 है, तो हमें पता है कि जब 2 लॉग माइनस में होते हैं अगर उनका बेस सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में डिवाइड कर सकते हैं एक बार में, है ना, डिवाइड से माइनस में गए थे ना पिछले बार लॉ जो सीखा था हम लोगों ने, तो लॉ है ना, तुम लोग तुम चाहो तो एक पेज में लिख के रख सकते हो, तो बार बार नहीं सामने सामने, ठीक है, तो ये लॉज है ना 3 बिल्कुल सामने रखना, जब भी लॉगरिथम को सॉल्व करना सामने रखोगे अलग, बार बार पीछे पेज पलटा के देखने की जरूरत नहीं। दूसरी बात तो तुम्हें बिल्कुल याद रहनी ही चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है ना, तो मैंने लिख लिया तुम्हें बार बार दिखाने के लिए कि जिससे कि तुम आराम से डील करो, ठीक है। तो यहाँ पर थे हम लोग कि ये 2 माइनस में हैं, 2 लॉग सेपरेट माइनस में है, माइनस में होते इसे हम लोग क्या कर सकते हैं लॉग 1 लेके डिवाइड, लॉग होल में लेके डिवाइड कर सकते, ठीक है। तो हमने वही किया, लॉग 6 लिया, लॉग 6 लिया 72/2 कर दिया, 72/2 कर दिया डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो 36 हो जाएगा, 36 के ऊपर तुम क्या करोगे छोटा कर दोगे,
छः का स्क्वायर बना दोगे, छः का स्क्वायर बनाओगे तो टू क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, टू सामने आ जाएगा, लॉग सिक्स सिक्स सेम सेम मतलब वन आंसर है ना, लॉग ए ए मतलब वन, तो ये टू इंटू वन आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। सिक्स सिक्स सेम हो गया ना, जब भी सेम रहेगा बेस और उसका आंसर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, वन होता है ना, लॉग टेन टेन किया था हमने, लॉग टेन टेन ठीक है ना। अब बाई डिफॉल्ट यहाँ पे टेन ही समझना है, जैसे कि लॉग तुम्हें ऐसे करके टेन दिया हुआ है, बेस तुम्हें नहीं थे तो बाई डिफॉल्ट टेन नहीं, तो वन ही आंसर होता है लॉग टेन का, ठीक है ना। सिक्स सिक्स हो गया, टू इधर सामने आ गया ना, टू आ गया आ गया, इस तरह। अब देखो एक दो इसमें दिया हुआ है, दो लॉग में दिया हुआ है इसमें एलजेब्रिक फंक्शन में, कोई बात नहीं। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, पहले वो हम करेंगे, सबसे पहला काम ये होता है कि बेस को कम करके पावर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो टू की पावर एट को टू की पावर थ्री कर दिया, और थर्टी टू को टू की पावर फाइव कर दिया, थ्री इधर आगे आ जाएगा और फाइव इधर आगे आ जाएगा, लेकिन हाँ माइनस में ना, माइनस थ्री तो हाँ तीन टर्म्स है, दिमाग सही रखो, ये सिंप्लीफाई करते हुए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या आ रहा है कि चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, फोर है ये एट है, यहाँ पे थोड़ा सा खेल कर सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। देखो ये जो नंबर है टू के पावर थ्री, तो हम लोग क्या कर देंगे, टू के पावर टू कर देंगे, बाहर थ्री के पावर टू कर देंगे, बाहर थ्री के ऊपर टू डिवाइड कर देंगे, नीचे टू ऐड कर देंगे, टू टू कट जाएगा, वापस टू के ऊपर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। देखो ना लॉग टू के पावर थ्री है, लॉग टू के पावर थ्री है, तो ये भी देखो यहाँ पे टू हमने क्या किया, मालूम है क्यों कर रहे हैं, बता रहा हूँ मैं बच्चा, टू के पावर टू कर दिया, मतलब एक एक्स्ट्रा टू जोड़ दिया, पावर टू जोड़ दिया, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो थ्री थे टू नीचे एक डिवाइड करना पड़ेगा, टू टू कट जाएगा, वापस टू के पावर थ्री, टू के पावर थ्री हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या, टू के पावर फाइव है, यहाँ पे कर देंगे टू के पावर थ्री, एक एक्स्ट्रा थ्री लगा देंगे, अब बाहर फाइव में जाके थ्री से डिवाइड कर देंगे, थ्री थ्री कट जाएगा, वापस टू के पावर फाइव आ जाएगा, ठीक है। किया है क्यों, क्या बता रहे हैं, तो ये तो अभी फिलहाल बैलेंस है। देखो हमने चेंजेस छेड़खानी जरूर की है, देखो ये स्टेप्स हैं, ये एक्चुअली इक्वल टू नहीं है बुक में, थोड़ा सा यही दिक्कत है ना, यही मैं समझा रहा था उस टाइम भी क्लास इलेवन में किसी को पढ़ा रहा था कि एरो बना होना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि मालूम पड़े कि ये स्टेप फॉलो हो रहे हैं, क्या फॉलो हो रहे हैं, स्टेप फॉलो हो रहे हैं, तो ये एक गलती है बुक में, ठीक है, स्टेप फॉलो होने चाहिए, तो एरो बनाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो एलएचएस और आरएचएस समझ में आने लगता है फिर, ठीक है। चलो हाँ, तो टू के पावर थ्री बाई टू कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, अब देखो टू के पावर टू क्या हो गया, फोर हो गया, हाँ समझे क्यों किया हमने, जिससे कि ये जो नंबर है क्या हो जाए, सेम ए ए फॉर्म में आ जाए। देखो लॉग फोर, यहाँ भी फोर, तो आंसर वन हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखो टू के पावर में थ्री किया, क्यों किया, ये एट है, ये भी एट हो जाएगा, टू के पावर थ्री कर देंगे तो एट एट, ठीक है। तो ये जो है ना पावर, ये तो सामने ले लो, इधर थ्री बाई टू उठ के इधर आ जाएगी, इधर फाइव बाई थ्री उठ के इधर आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, वन है, तो थ्री बाई टू इंटू वन, थ्री बाई टू, इसका मतलब क्या है, वन है, तो फाइव बाई थ्री इंटू वन है ना। देखो थ्री बाई टू ये जो उठा के यहाँ लिया है, तो थ्री बाई टू, थ्री बाई टू इंटू, और इसका मतलब ये बचा, तो फोर फोर मतलब क्या, वन, सेम सेम है ना, सेम है, वन हो गया, माइनस सेम चीज यहाँ पर वन हो गया, तो बस इसका सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी हमने छेड़खानी की थी, टू के पावर थ्री था तो हमने क्या किया, टू के पावर टू बनाया, एक एक्स्ट्रा टू लगाया पावर के ऊपर, तो एक्स्ट्रा टू लगाया तो बाहर जाके टू डिवाइड कर दिया है ना, थ्री टू के पावर थ्री है ना, देखो टू टू कट जाएगा, थ्री बचेगा, बात समझ में आई। इस तरीके से आपको है ना ये सारी चीजें इंडेक्स बेस सब कुछ देखते रहना है, सब कुछ देखते रहना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल फोर कर लेंगे, इसके बाद ओवर करेंगे आज का लेक्चर। देखो बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, एक्सप्रेस इन एज ए सिंगल लॉगरिथम, तो इतने सारे जो लॉग दिख रहे हैं ये हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसको हम किसमें बदल देंगे, सिंगल लॉगरिथम बदल देंगे, ठीक है। प्लस है माइनस है, माइनस में तो सर डिवाइड हो जाता है, लेकिन सर ये तो क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस है तो सर मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन सर यहाँ पे लॉग तो है नहीं, समझ रहे हो। देखो अगर दो लॉग प्लस में तो एक लॉग बना देंगे, माइनस में तो भी एक लॉग बना देंगे, लेकिन यहां पर टू के पास लॉग तो हो, लॉग ही तो नहीं है, अगर ये दो लॉग प्लस प्लस में होते, ये माइनस में, तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई होता होल, और ये वाला डिवाइड में चला जाता, यही होता ना डिवाइड, माइनस मतलब डिवाइड जाना। देखो हमने क्या किया, टू को हमने क्या कर दिया पता है, टू इंटू वन कर दिया, टू को हमने क्या कर दिया, कोई दिक्कत है क्या,
नहीं, 2 into 1 मतलब 2 क्यों बता रहा है, बाकी सेम चीज वैसे ही फॉलो की, ठीक है। अब देखो 2 into 1 मतलब 2 ही हो रहा है, ये देखो 2 ही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, 2 ही हो रहा है। 1 मतलब क्या होता है, क्या 1 का मतलब log 10 10 नहीं कर सकते? कर सकते हैं, log 10 10 तो कर ही सकते हैं ना, सेम सेम मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तो 1 होता है, या तो कुछ भी रख सकते, कुछ भी कर सकते हैं, वेरी गुड, 8 8 भी कर सकते हैं, 6 6 भी कर सकते हैं, 5 5 भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आगे 10 10 था, हाँ 10 10 था, बेस सेम सेम थी, तो इसीलिए हमने 10 ही लिखा यहाँ, ठीक है ना, तो कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मतलब 2 into 1 मतलब 1 की जगह ये लिख दिया, हाँ बिल्कुल सही कहा। अब देखो ये 10 ठीक है सर, ये 10 ये भी ठीक है सर, ये भी हाँ बिल्कुल सेम है। अब होल में लिया log 10, होल में लिया log 10, अब जो भी चीजें प्लस में है उन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 का स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाई में दिखा दिया, जो चीज माइनस में तो 25 को हम नीचे डिवाइड में दिखा दिया, इस तरीके से पावर को आगे मत लाओ, क्योंकि हमें लॉग वाला ये बदलना है, इसे पावर को इधर चम करके ना लाओ, आपकी बार उल्टा कर दो, आपकी बार जो जो यहाँ लगा है ना लॉग से पहले कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको पावर बना के ऊपर ले लो, क्योंकि बिल्कुल जस्ट लॉग ही होना चाहिए यहाँ पे, जस्ट लॉग, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नंबर है तो ये लॉ नहीं लगेगा। अगर समझो 2 log 10 ऐसे है तो 2 आप ऐसे साइड में नहीं हटा सकते, 2 के ऊपर पावर में भेजना पड़ेगा, तो 2 है ना पावर भेजो, 1/2 है पावर में भेजा, ये 2 है पावर में भेजा, जो पावर वाले जब आगे आ सकते हैं ये भी पीछे जा सकते हैं, है ना। अब देखो डायरेक्ट फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, लॉग 10 10 लॉग 10 लॉग 10 लॉग 10, ऊपर नंबर 100 है, ये 3 है 25 है, तो 100 into 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस में 25 तो 25 नीचे माइनस में हो जाएगा, और आंसर जो भी आ रहा है वो निकाल लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सारे लॉस लग रहे हैं, लगभग सारे लॉस लग रहे हैं, प्रोडक्ट लॉ भी है, क्वेश्चन लॉ भी है, ठीक है, पावर लॉ भी है, और एक तुम्हारा जो बाकी जो लॉग ओवरऑल सिंगल लॉगरिथम में दिखाना था, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट लग गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस एग्जांपल इज, ठीक है।